हे दोस्तों, हम आ गए हैं दोबारा आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, नेटवर्क बेसिक से रिलेटेड, नेटवर्किंग फैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, और इस वीडियो में हम बेसिकली आपको मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कहा था कि हम की अपकमिंग वीडियो में नेटवर्किंग की हम मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी डिमांड को, सीएस किसी भी ट्रेड के हो, सीएस, कंप्यूटर साइंस और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप लोगों को ये सब्जेक्ट हमेशा, मतलब ये टॉपिक कहीं ना कहीं आ ही जाता है नेटवर्किंग में। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड ईयर में, हाँ एटलीस्ट सेकंड ईयर या सेकंड सेम में, ठीक है, सेकंड ईयर की थर्ड या फोर्थ सेम में या सेकंड सेम में कहीं ना कहीं टॉपिक आ जाता है कि आप लोगों को पढ़ाया जाता है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, और 100% आपके पेपर में ही कहीं ना कहीं आपको दिखेगा नेटवर्किंग। हाँ, नेटवर्किंग फंडामेंटल होता है इसका सब्जेक्ट का नाम, उसमें आपको पूछा जाता है 100% बीटी के पेपर्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो इसे नोट डाउन कर लेना। तो इसे तो अपने ऑल लाइफ टाइम याद होगा, अगर आप टेक्निकल, मतलब टेक्निकल कोई नॉलेज लेकर गए हो, जैसे डिप्लोमा करके गए हो, ठीक है, तो इनको तो हमेशा याद होगा भाई, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो देखो, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड बेसिकली। देखो, अब ये सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स देखो पहले जमाने होता, पहले जमाने सिंप्लेक्स चलता था आपका। ठीक है, सिंप्लेक्स में क्या होता था भाई, सिंप्लेक्स में ये था कि आप एक ही साइड से कनेक्ट कर सकते थे सिर्फ। ये नहीं है कि जो डाटा सेंड होता है सिर्फ एक साइड से जाएगा, ठीक है, एक ही तरीका था सिर्फ, मतलब दूसरे तरीके से, दूसरे साइड से आ नहीं सकता था, सिर्फ एक ही साइड से जाता था। ठीक है, और हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स क्या हो गया, हाफ डुप्लेक्स में भाई ये आ गया कि हाफ डुप्लेक्स में मतलब कि आप, मतलब कि डाटा को सेंड कर रहे थे और साथ में रिसीव भी कर सकते थे। तो ये आपका आ गया किसमें, हाफ डुप्लेक्स में। अब फुल डुप्लेक्स में क्या हुआ, फुल डुप्लेक्स में तो और बढ़िया फीचर दे दिया हमें भाई। फीचर ये था कि फुल डुप्लेक्स में आप लोग एक, मतलब कि सेंड कर रहे थे, जहां से सेंड कर रहे थे वहां से रिसीव भी कर सकते थे, मतलब एक ही टाइम पे सेंडिंग और रिसीविंग दोनों हो रही थी। तो ये हो गया फुल डुप्लेक्स। ठीक है, लेकिन हाफ डुप्लेक्स आप पूछे, बंदे सोच रहे होंगे कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में अंतर क्या है, तो भैया हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में अंतर यही है कि हाफ डुप्लेक्स एक टाइम पे या तो डाटा सेंड करोगे या रिसीव करोगे, बस। ठीक है, सेंड हो रहा है, ये रिसीव हो रहा है, और फुल डुप्लेक्स में ये है कि डाटा सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, दोनों एक ही टाइम पे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कॉलिंग दोनों, मतलब कि फुल डुप्लेक्स में कह सकते हो आप कॉल, मतलब कि दोनों कर सकते हो, दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों तरह से हो सकती है। ठीक है, और हाफ डुप्लेक्स में एक टाइम पे एक ही बंदा कॉल कर सकता है। आप देखो फुल डुप्लेक्स चल रहा है इस समय। ठीक है, फुल डुप्लेक्स जो हम, मतलब देखते हो ना आप कितने बड़े बड़े फीचर आ रखे हैं, जैसे आप देखते हो आप एक बंदे को कॉल करा दूसरे को, तो दूसरा भी तीसरा भी कनेक्ट हो जाता है, तो ये फुल डुप्लेक्स है भैया। तो अब देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये कोई बताता भी नहीं है, ये सिर्फ जो कोचिंग लेते हैं ना उन्हें बताई जाती है। ठीक है, तो इसे तो नोट डाउन कर लेना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। भाई ये तो याद रखो, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो देखो यूनिकास्ट, इसका एग्जांपल क्या है भाई, यूनिकास्ट टेक्नोलॉजी ना, आप जो लोग यूट्यूब चलाते हो ना खूब बढ़िया तरीके से, भाई यूट्यूब तो देखना ही है, यूट्यूब में क्या आ रहा है देखोगे आप, कहीं ना कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, कोई कहीं की बात आ रही है, यूट्यूब बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में। ठीक है, तो कहीं तो यूट्यूब, तो इसका एग्जाम्पल आपको यूट्यूब, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका यूट्यूब है। ठीक है, कभी भी भूलना मत, यूनिकास्ट, यूनिकास्ट टेक्नोलॉजी पे यूट्यूब वर्क करता है आपका। तो ये कम्युनिकेशन के टाइप्स है तीन। ब्रॉडकास्ट जो है इसमें क्या होता है आपका, ठीक है, इस पे ना कोई भी, यार बुरा मत मानना, लेकिन इस पे कोई भी टेक्नोलॉजी वर्क नहीं कर रही इस समय। इस पे टेस्ट किए गए थे, लेकिन इसे किसी टेक्नोलॉजी ने, किसी भी टेक्नोलॉजी ने अपने पे रन नहीं करवाया ना, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी इस पे वर्क नहीं कर रही, आप ऐसा समझ के लो। मतलब अभी दो ही बेसिकली यूज़ किया है, कौन कौन से आपके, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट से देखो आपके टेलीविज़न, तो वही इसी याद देखो, टेलीविजन किस पे वर्क करता है, कौन सी कम्युनिकेशन पे, नेटवर्किंग में पूछा जाता है ये। ठीक है, मल्टीकास्ट टेलीविजन पे। ठीक है, अब पढ़ते हैं राउटर और स्विचेस के बारे में। देखो भाई, ये तो सारी चीज़ आप कहोगे हम तो पढ़ चुके हैं, हमें क्यों बताऊँ, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने, इसमें कुछ ऐसी बातें मैं बोलता हूँ जो आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया यूनिकास्ट मल्टीकास्ट, आपने अगर सुना हो तो बता दो, किसी ने सुना है तो इसके में नहीं सुना होगा, क्योंकि आप लोगों ने कभी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क, ठीक है, क्लासेस नहीं ली। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन
पता है कहाँ पूछेगी, जैसे आप कोई ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो आपको ये नेटवर्किंग की ठीक है इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, पूछ लेते हैं ठीक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। तो इंटर्नशिप्स अब आपको लेनी है तो इसमें इंपॉर्टेंट होती है ठीक है। तो देखो वीडियो लार्ज हो गई, तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम पढ़ेंगे राउटर्स एंड स्विचेस के बारे में। सो थैंक यू गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस, गुड बाय।